युद्ध को और लंबा खींचने के मूड में इस वक्त अमेरिका है। यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका। यूक्रेन फोर्सेस को S-300 डिफेंस सिस्टम अमेरिका देने की तैयारी में है और इसके मायने यही निकलते हैं कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि यूक्रेन लगातार अमेरिका और बाकी नेटो देशों से ये मांग करता रहा है कि उसे और हथियारों की जरूरत है बेलसर, और उसके बाद अब अमेरिका और हथियार देने की तैयारी में S-300 डिफेंस सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। दो तरफा चीजें क्यों हैं? हथियार आएंगे तो युद्ध रुकेगा कैसे? देखिए, जो अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज उनको वेपन दे रहे हैं, पश्चिमी देश, वो सारे के सारे डिफेंसिव वेपन्स हैं। ऑफेंसिव वेपन्स जैसे जहाज और टैंक नहीं दे रहे उनको, उनको दे रहे हैं जैवलिन, स्टिंगर मिसाइल्स, और अब S-300 की बात चल रही है। और ये S-300 स्लोवाकिया से आएगा, जहां पे इन्होंने ऑलरेडी पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 की 2 बैटरीज लगा दी हैं और पोलैंड में भी 2 लगाई हैं। और जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर हमको सोल्यूशन है, हम न्यूट्रलिटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रशियन फोर्सेस को पहले बाहर वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद रेफरेंडम होगा, ये किस तरह की गारंटी है? अगर रेफरेंडम बाद में होगा तो रशिया को लगेगा, और रशिया अगर ये वॉर ऐसी स्टेट में आता है जहां पे ना वो जीता ना हारा जैसे कि अभी की स्टेट है, तो कहीं ना कहीं ये रशिया की हार है, स्टेलमेट पे रशिया की हार है। रशिया तब तक पीस ट्रीटी पे साइन नहीं करेगा या पीस के लिए नहीं जाएगा जब तक कि रशिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते, जिसमें 2 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि जो डोनबास का एरिया है, जिसको लुहांस्क और डोनेस्क उन्होंने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बोला है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो खार्किव से लेकर लुहांस्क, डोनेस्क और मारियोपोल तक आता है, जो कि 75% अभी उनके हाथ में है, डोनेस्क तो 54%। ज़ेलेंस्की को रूस को देना होगा, ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एक बफर जोन की तरह बन जाएंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।